हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हमने जीएस स्टार्ट की थी और उसमें भी हमने हिस्ट्री के पोर्शन को लिया था, जिसमें हमारा टॉपिक था प्राचीन भारत। फ्रेंड्स, आज हम उन्हीं के आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा हमारा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा हमारा लरकाना। लरकाना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा हमारा दैमाबाद। दैमाबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये बोला है नहीं लाई गई थी। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लुहार या लुहारगिरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल गार्गी और मैत्रेय का घर था? दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल गार्गो और मैत्रेय का घर था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? भारतीय शासन के
प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों को क्या माना जाता है? वेदों को क्या माना जाता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रुति। श्रुति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक श्रम विभाजन। व्यावसायिक श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमण। श्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद की संहिता में। सामवेद की संहिता में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? फ्रेंड्स, दोबारा सुनिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल किया करते थे उसे क्या कहते थे?
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बलि। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बलि। बलि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दूध और इससे बने उत्पाद। दूध और इससे बने उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर एक्सेट्रा। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे क्योंकि? फ्रेंड्स वो इसलिए रहे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर। व्यवसाय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ, जिसे यव भी कहा जाता है। जौ, जिसे यव भी कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था या जाति। वर्ण व्यवस्था या जाति की जानकारी ऋग्वेद के काल के दौरान नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहां पाया गया?
जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? फ्रेंड्स, दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा समिति। समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञात। अज्ञात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ पास बैठना होता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।